हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन को। तो चलो बेटा, हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेटा, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.3 में। राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ऐसे तीन नंबर लिखो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो। तो तीन रैशनल नंबर क्या हो सकते हैं बेटा? तो एकदम सिंपल है ये क्वेश्चन। हम लिख सकते हैं कोई भी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मैंने कई बार आपको एग्जांपल्स में भी लिखवाया था। तो यहां पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एकदम सिंपल। आप इरेशनल नंबर तैयार करो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग नेचर का हो, जैसे 6500, 6500, 6500, 6500, 0। अब ये क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग नेचर का भी है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। डिजिट रिपीट हो रहा है बट पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। आप यहां ध्यान दोगे तो बीच बीच में जीरो बढ़ते जा रहा है, इस पर बार लगाना संभव नहीं है। ऐसे तीन नंबर बताने थे। तो दूसरा ले सकते हैं क्या, 2002002000, 2400, and so on। एक और लिख लेते हैं, देख लो कैसे होगा। एकदम सिंपल, 7500, 7500, 0000, 7500, 000। ऐसे ही ये चलता रहेगा। ये तीन ऐसे नंबर है बेटा जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग नेचर के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड थ्री इरेशनल नंबर्स। तीन इरेशनल नंबर पता करना है। बिटवीन द रैशनल नंबर, इन दो रैशनल नंबर के बीच में क्या पता करना है, आपको पता करना है कि तीन इरेशनल नंबर कौन से होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे ट्रैकल करते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 7 और 5। यहां मैंने लगाया क्या, डेसिमल। क्या लगाया, डेसिमल। तो ये जीरो बढ़ गया। अब जब बढ़ाया 7, 7 जा 49 हो गया, 1 आया, फिर 0 लगाया तो कितने बार में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा। फिर आ गया 3, तो फिर यहाँ डेसिमल में 0 हो गया, फिर कितने टाइम में, 4, 28 हो गया। फिर आया बेटा 2, ठीक है। फिर आपने डिवाइड कर लिया, इसको क्या हो रहा है, 7, 2 टाइम्स में चला गया 14। चलो यहीं पे रोक लेते हैं, ठीक है ना, इतने पे ही रोक लेते हैं, 0.7142। ऐसे इसको डिवाइड कर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 11/9, ठीक। डेसिमल लगा, 0 बढ़ा, 8 टाइम्स गया, 88 हो गया, 2 आया, ठीक। फिर यहाँ पे 0 बढ़ा, फिर 1 टाइम गया तो कितना हो गया, 11। फिर देखो वापस से 9 आ गया है, फिर डेसिमल बढ़ा, फिर कितने टाइम में जाएगा, 8। तो ये हो गया आपका 88। फिर वही चीज़ रिपीट कर रहा है, 2, फिर 0, फिर देखो 1 आ जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा आपका, ये रिपीटेशन चलता रहेगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे मुझे दो नंबर मिले हैं, एक नंबर मिला है ये वाला और एक नंबर मिला है ये वाला, ठीक है। तो निश्चित रूप से 0.8181 इज ग्रेटर देन 0.7142, ठीक है। अब एक बात आपको यहाँ क्या मिल रही है कि यहाँ पे जो थ्री इरेशनल नंबर आपके आने वाले हैं बेटा, वह इसके बीच में ही आएगा। तो एकदम सिंपल सा है, लिख लो अपने मन से कोई भी नंबर जो इसके बीच का हो। मान लो ये 7-1 है तो मैं ले लिया 7-4 ले लिया, ठीक है। 7-1 जो है तो मैंने लिया 7-4। 7-4 क्या होगा, इन दो नंबरों के बीच में ही ना आएगा। 8-1 और 7-1 के बीच में क्या आएगा, 0.74 आएगा कि नहीं। अब देखो बन गया इरेशनल नंबर, है ना, ये आपका सो ऑन चलते जाएगा। एक इरेशनल नंबर ले लिया, 7-4 के बाद क्या ले लेता हूं, 7-6 ले लेता हूं। देखो 7-6 भी बन गया, है ना, इरेशनल नंबर। 2 हो गया, तीसरा ले लेता हूं, क्या ले लूं, 7-8 ले लेता हूं। देखो बन गया इरेशनल नंबर। सेम पैटर्न है बेटा, एकदम इजी। सीख रहे हो लोग ना, समझ में आ रहा है,
इन दो नंबरों के बीच में ये सारे नंबर लाई करेंगे, इसलिए क्या हो गए, तीनों ऐसे नंबर हो गए जो इरेशनल हैं और इन दोनों नंबरों के बीच में आते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रैशनल और इरेशनल। इसका मतलब क्या है कि हमें बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है कौन सा नंबर इरेशनल है, बस आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों पहला नंबर जो है वो क्या है, रूट 23। 23 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? तो बेटा 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है और जब किसी प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगा हो तो वह क्या बन जाता है, वह इरेशनल नंबर हो जाता है, है ना? क्यों? क्योंकि 23 क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं स्क्वायर का, ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल्स, मान लो कोई भी नंबर हो जैसे कि 15 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस पे रूट लग गया तो क्या बन जाएगा बेटा, ये इरेशनल नंबर बन जाएगा। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि किसी भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे अगर रूट लगा दें तो क्या बन जाता है, वह आपका इरेशनल नंबर बन जाता है, ठीक है। अब देखो ये 225 ये क्या है बेटा, ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर है? क्योंकि इससे क्या बाहर आने वाला है, इससे 15 बाहर आने वाला है और 15 एक होल नंबर आ गया और 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसको सॉल्व करने पे 15 आ जा रहा है। तो 15 क्या होगा बेटा, इट इज अ रैशनल नंबर, ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 0.3796। देखो ये कंटिन्यू नहीं जा रहा है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और जब टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है तो इट्स मींस ये रैशनल नंबर है। क्या है ये, रैशनल नंबर। प्रॉपर्टी फिर से रिकॉल कर लो क्या, कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो तो वह कभी भी इरेशनल नहीं होता है। नेक्स्ट देखो 7.478478 और कैरी वन। अब ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डैश डैश दे दिया, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। बट एक बात ध्यान देखो, देकर देखो तो क्या हो रहा है, 478478 रिपीट कर रहा है, यानी एक फीचर यहां मैच नहीं कर रहा है नॉन रेकरिंग का। इसका मतलब यह नंबर भी क्या है, ये नंबर भी आपका रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यह नॉन रेकरिंग नेचर को क्वालिफाई नहीं करता। हम दो ही बातों पे तो चेक करते हैं, एक चेक करते हैं कि नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, दूसरा नॉन रेकरिंग होना चाहिए। अगर ये दोनों फीचर मैच करता है तो क्या है, वो इरेशनल है। बट यहाँ पर एक फीचर मैच कर रहा है टर्मिनेटिंग का, लेकिन दूसरा वाला फीचर नॉन रेकरिंग का मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये बेटा रैशनल नंबर कहा जाएगा। क्लियर हो? देखो बेटा यहाँ क्या है, 1.10100000140 ऐसे जब नंबर दिखाई देते हैं जहां पे क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है बेटा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना, डैश डैश दिया तो क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। साथ ही साथ देखो नॉन रेकरिंग है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, ये क्या है, नॉन रेकरिंग नेचर का भी है। तो नॉन रेकरिंग नेचर का है तो इसका मतलब क्या है, हो गया कि आपका यह दोनों क्वालिफाई कर रहा है, इट्स मींस ये नंबर क्या होगा बेटा, ये नंबर होगा इरेशनल नंबर। क्या होगा, इरेशनल नंबर, है ना। तो ये सॉल्व हो गए आपके पांचों क्वेश्चन। तो बेटा अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, प्रॉपर नोटिफिकेशन आता रहेगा। और वीडियो से आपने कुछ सीखा तो लाइक बटन जरूर प्रेस करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। One, two.